नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने जा रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मलिष्का की हार होती है और लक्ष्मी के प्यार की जीत होती है। क्योंकि लक्ष्मी को साफ साफ ऋषि खुले शब्दों में वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि ने बोल दिया है कि मलिष्का, अब तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें इस घर से धक्का मार के निकाल दूंगा, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या रेपुटेशन रह जाएगी। और वहीं पर ही लक्ष्मी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं ऋषि। ऋषि ने लक्ष्मी से साफ साफ खुले शब्दों में बोल दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे से ज़्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बात ही हमेशा याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ में मैं खड़ा हूँ। अगर कोई भी मुसीबत तुम्हारे पास में भी आई तो उससे पहले वो उस मुसीबत को मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, इस समय लक्ष्मी ने भी साफ साफ वार्निंग दे दी है मलिष्का को कि ये मंगलसूत्र मेरे गले की जगह तुम्हारे पास भी आ सकता था, लेकिन जब तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल सकता है ये। और आंदा को कभी भी मेरे और ऋषि के बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऋषि ने आज खुले शब्दों में बोल दिया है तुमसे कि जब तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार देखा जा रहा है कि मलिष्का को चारों तरफ से वार्निंग मिलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब ऋषि की मॉम नीलम बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि ऋषि की मॉम नीलम चाहती हैं कि लक्ष्मी इस घर से निकल जाए। लेकिन दोस्तों, ऋषि और दादी और ऋषि के फादर के होते हुए कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि नीलम ने ये चुनौती दी थी कि या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या हम रहेंगे, लेकिन फाइनली अब इस घर से जाएगा कोई तो वो कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है, और मलिष्का का इस घर में अब सफ़र ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मलिष्का ने हर तरीका की कोशिश करके देख ली है, लेकिन मिला क्या कोशिश करने से, सिर्फ धोखा, हार और उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।